गाकुश सोते हुए जो है गुप्पी से आए हैं और गुप्पी में ये जो खलती लेक है ये एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टूरिस्ट स्पॉट है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर आप राफ्टिंग कर सकते हैं, बोटिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मछली पकड़ सकते हैं, यानी कि फ़िशिंग कर सकते हैं। और मैंने भी मछली पकड़नी है, लेकिन कोई बताती चलूँ कि यहाँ पर लोग आकर जो है वो बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मज़ा करते हैं। और जो रास्ता है बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको एक तरफ जहाँ चट्टीले पहाड़ दिखाई देंगे वहाँ पर सब्ज़ा भी दिखाई देगा और यहाँ पर आकर मौसम एकदम से बेहतर महसूस होता है। और वो क्या कहते हैं ना कि वर्थ इट है एक एक पत्थर से गुजर के आना, क्योंकि एंड पे आपको ताजदम हुआ महसूस होता है अपना आप। सो यहाँ पर मौजूद बहुत सारे लोग हैं, एक्टिविटीज़ हैं, आइए आपको उनकी सैर करवाते हैं। फाइनली यासीन वैली आन पहुंचा है। मेरे सामने यासीन दरिया बह रहा है और उसी के साथ जो है वो हिंदू कश का पहाड़ी सिलसिला है। यासीन वैली इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर यासीन वैली और इश्कुमन वैली के दरमियान बहुत से पहाड़ी यानी कि माउंटेन पासेस मौजूद हैं जो कि कोपहमाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इस वैली को तीन सरहदें लगती हैं। अगर आप चाइना, अफगानिस्तान या सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से कहीं भी जाना चाहते हैं और रोड पक्की बन जाए तो माइंड इट कि सफ़र आधा रह जाता है। और इसके अलावा अगर आप चित्राल जाना चाहते हैं तो शिंदूर के ज़रिए आप चित्राल जा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि ये वादी जो है वो ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि बहुत अहम मुकाम पर है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा जो ये सफ़र था जिसमें हमने एक सवाल उठाया कि बेहतर जो है वो टूरिज़म कैसे हो सकता है, उसमें आपको कुछ फूड फॉर थॉट मिला होगा। क्योंकि जो मुझे समझ आया है वो ये है कि ये दोनों तरफ की मेहनत है, आने वाले टूरिस्ट भी और मुकामी लोग भी मिलकर इसका हल निकालें तो अपनी जगह को, अपने मुल्क को, इन वादियों को साफ रख सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर। जब तक के लिए हमारी दोबारा मुलाकात हो, मुझे यानी शफाया सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।